चाट का नाम सुनते हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है और चाट हम सभी को बेहद पसंद है। चटपटी बाजार वाली चाट, ठेले पर मिलने वाली चाट, फ्रेंड्स उससे कहीं कई गुना बेहतर आज हम बचे हुए छोले से चाट बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाय, मैं हूँ सीमा, स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सभी से निवेदन है कि लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने जो छोले बनाई थी उसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ही बना रखी थी, क्योंकि मैं पहले ही से सोच रखी थी कि आज के जो छोले हैं उससे मैं अलग डिफरेंट तरीके से चाट बनाऊँगी, जो कि बहुत चटपटी मसाले वाली चाट मैं बनाऊँगी। जब आप इस तरह से बनाएंगे चाट को तो यकीन मानिए आप बाज़ार से लाना चाट भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही चटपटी बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले छोले को गर्म कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। समोसा दो मैंने मार्केट से मंगा रखी थी। ऐसे आप आलू की टिकिया भी, उबले हुए आलू के दो टिकिया भी बना के ऐड कर सकते हैं, या समोसा भी मंगा के डाल सकते हैं। इस जगह पनीर के चॉप करके भी नीचे डाल सकते हैं, इसमें मिक्सचर भी पहले डाल सकते हैं, उसके ऊपर से बचे हुए छोला को ऐड कर दें। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि बचे हुए छोला से आपने इतने अच्छे से चटपटी चाट, रगड़ा चाट बना के आप तैयार किए हैं। इसके ऊपर से हम दही डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मीठी चाट पसंद है तो इसमें थोड़े से हमने चीनी ऐड कर देने हैं दही में हल्के से। यहाँ पे हमने इमली पानी रखे हैं, उसके ऊपर से इमली पानी डालेंगे, एकदम चटपटी खट्टा मीठा तैयार। अब यहाँ पे बारीक कटे हुए हमने प्याज पहले से रखे थे, बारीक कटे हुए प्याज ऊपर से ऐड कर देंगे। प्याज आप अपने अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। ऊपर से बारीक कटे हुए टमाटर सजा देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे ऊपर से। फ्रेंड्स, अब यहाँ मिर्चा पाउडर, रोस्टेड मिर्चा पाउडर, उसके चाट मसाला ऐड करेंगे, कुछ अमचूर पाउडर डालेंगे, एकदम चटपटी तीखी मसाले वाली चाट इनका का मजा आ जाए। उस पर से बूंदी थोड़े से ऐड कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बनके तैयार है चाट। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, आगे भी ऐसी रेसिपी के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।